एनिमल शुड बी स्लॉटेड इन प्रेजेंस ऑफ एनदर, एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को ज़बह करने से परहेज करें, गुरेज करें. यू स्ट्रेस स्लॉटरिंग एनिमल इंडिविजुअली विदाउट द प्रेजेंस ऑफ अदर्स हेल्प मिनिमाइज स्ट्रेस फॉर बोथ एनिमल्स बीइंग स्लॉटर्ड एंड दोस विटनेसिंग द प्रोसेस. स्ट्रेस कैन अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ मीट पोटेंशियली लीडिंग टू द टाइटनेस एंड रिड्यूस द टेंडरनेस. बेहतर रहेगा कि तुम विच पर्दा कर लो या कोई यह इंतजाम कर लो कि एक पास जरा जानवर जरा सिबा हो रहा है, दूसरे पास जरा वेटिंग के पीछे वो वेख ना सके. ये पीछे बड़े रीजन ने मैंशनड इन सही अल मुस्लिम. एक जानवर दूसरे के सामने ज़बह ना किया जाए, साढ़े नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हदीस के भी आ गया. लेकिन ये पिछले फायदे भी बड़े हैं. जब तुम एक जानवर दूसरे जानवर के सामने ज़बह करते थे, जरा जानवर वेख रहे होंगे, विटनेस कर रहे होंगे सारे प्रोसेस में, वो स्ट्रेस आ जाता. स्ट्रेस हारमोन और गोश्त की क्वालिटी को खराब करता है, वह ब्लड प्रेशर डाउन कर देता. जब ज़बह होता तो खून पूरी तरह तो मसल तो आउट नहीं होता, जिस तो बाद गोश्त के स्मैल तो मोटी बड़ी सख्त जी रही है, तो स्मैल जी रही है, तो जल्दी गोश्त खराब भी हो सकता क्योंकि खून ज़्यादा बाहर नहीं आया, वो खौफ की वजह स्ट्रेस की वजह. जब एनिमल में ज़बह करोगे, जब मवेशी में ज़बह करोगे, स्ट्रेस नहीं होगा, उन्हें बिल्कुल घबराहट कोई नहीं होगी अंदर. उस टाइम जब जो गोश्त होगा नरम होगा, खाने का मज़ा भी आएगा, स्मैल भी नहीं होगी.